राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा आर्ट एंड क्राफ्ट में। आज हम बनाना सीखेंगे इस तरह का फ्लावर पैटर्न वाला थालपोश। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो कलर से फ्लावर पैटर्न वाला थालपोश बनाना बताऊंगी और देखिए फ्रेंड्स, बनाना भी काफ़ी ईजी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक फ्लावर, फिर उसके बाद पत्ती, फिर फ्लावर, फिर पत्ती, इस तरह से हमने ये बनाया है। ये हमने थालपोश बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, दो कलर से बनाया है। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ हम ये थालपोश किस तरह से बनाएंगे और ये थालपोश बनाना भी काफी इजी है। फ्रेंड्स, देखते हैं हम किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेबी पिंक कलर की ऊन ली है थालपोश बनाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम चेन्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखिए फ्रेंड्स, 7 चैन्स हमने बना ली हैं। फर्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, धागे को लेके आएंगे, दोनों को दोनों में से एक साथ निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्लिप स्टिच हो गया है और हमारे पास अब ये होल रेडी हो गया है। अब हम एक चैन्स बनाएंगे और इसके अंदर जो होल के अंदर 15 सिंगल स्टिच बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर लेके जाएंगे, धागे को लेके आएंगे, दोनों को एक साथ निकाल देंगे। एक हो गया, फिर से करेंगे 2, फिर से करेंगे 3, इस तरह से हम 15 बना लेंगे। 4, 5, 6, 7, 8। देखिए बस 8 हो गई। इसी तरह से हम 15 कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 15 सिंगल स्टिच हो गए हैं। अब फर्स्ट चैन के अंदर हम जाएंगे, धागे को लेके आएंगे और देखिए दोनों को एक साथ निकाल देंगे। तो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड रो में देखिए फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए फ्रेंड्स, 8 चैन बना देंगे और फर्स्ट चैन के अंदर देखिए 8 चैन हमने बना दी और फर्स्ट चैन के अंदर जाएंगे। देखिए मैम, फर्स्ट चैन के अंदर जाके हम इस तरह से इसको सिंगल स्टिच कर देंगे। अब फिर से 8 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखिए बस 8 बना दी। फिर फर्स्ट चैन नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, सिंगल स्टिच करके इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर 8 चैन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से 8 बनाकर फर्स्ट चैन के अंदर जाएंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट चैन के अंदर हम इस तरह से इसको ज्वाइन करते जाएंगे। 8 चैन्स बनाकर नेक्स्ट नेक्स्ट चैन के अंदर इस तरह से करेंगे। हमारे पास 15 सिंगल स्टिच थे। देखिए फ्रेंड्स, एक हमने यहाँ पे 2 यूज़ हुए हैं, बाकी सब में एक एक यूज़ हुआ है। अब हमारे यहाँ इस तरह के 14 बन जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको 14 बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमारे 13 बन गए हैं। अब 14वां बनाना है हमें। तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से हम इसे लॉक करेंगे। 1, 2, 3 और ये 4, 4 चैन बनाएंगे और उसके बाद लूप लेंगे 2 बार और एक नेक्स्ट चैन के अंदर ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब 4 है हमारे पास, तो 2 निकालेंगे, 2 निकाली, फिर 2 निकाली और फिर 2 निकाली। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पास ये 14 बन गए हैं। अब हम देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, 1, 2 और 3, 3 चैन्स लेंगे, नेक्स्ट कली के बीचों बीच जाएंगे और इसे लॉक कर देंगे। फिर 3 चैन्स, 1, 2 और 3, 3 चैन्स लेंगे, नेक्स्ट इसमें जाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब ये लॉक होता जाएंगे। फिर से 3, 1, 2, 3, देखिए 3 चैन होगी। फिर नेक्स्ट इस कली के अंदर जाएंगे, बीचों बीच लेके आएंगे, सिंगल स्टिच करेंगे, मतलब कि इसे लॉक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये लॉक हो गए हैं। इस तरह से अब हमें ये सारे लॉक करने आए। फ्रेंड्स, मैं आपको लॉक करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 3-3 चैन करते हुए हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम लास्ट में 1, 2 और 3, 3 चैन लेंगे, इस कली के अंदर आएंगे और इसमें ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये अब हमारा ज्वाइन हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इस धागे को छोड़ेंगे और नेक्स्ट कलर लेंगे। नेक्स्ट कलर मैं इसमें रेड कलर ले रही हूँ, एक लाइट और एक डार्क कलर हो जाएगा। इसमें से इस तरह से लेकर
इसको टाइट कर देंगे और इस कली के अंदर आएंगे। देखिए मैं दोनों धागों को पीछे करते हुए इस धागे को यहाँ से स्टार्ट कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ स्टार्ट हो गया। अब हर इस कली के अंदर, जैसे देखिए फ्रेंड्स ये एक कली है, इसके अंदर ये तीन वाली चैन्स हैं, इसके अंदर मेरे को चार सिंगल स्टिच करने हैं। एक हमने अब कर दिया, फिर दूसरा, तीसरा और ये चौथा। देखिए फ्रेंड्स चार सिंगल स्टिच हो गए हैं इस कली में। अब नेक्स्ट वाली में देखिए फ्रेंड्स ये जो तीन की चैन है अब इसमें करेंगे, एक दो तीन और इसी में एक दो एक और चार। इस तरह से देखिए सारे में हम इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ पे हमने ये तीन तीन वाली चैन्स बनाई है, यहाँ पे ये चार चार कर लेंगे। ये फ्रेंड्स मैं आपको करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये रो हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है, हर चैन के अंदर हमें सिंगल स्टिच करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से दोनों को एक साथ निकालेंगे, चैन के अंदर जाएंगे, देखिए फ्रेंड्स धागा लेके आएंगे दोनों को एक साथ, फिर से अंदर लेके आएंगे, फिर से एक साथ। इस तरह से करते हुए देखिए फ्रेंड्स हमें ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हर चैन के अंदर सिंगल स्टिच करना है, चैन के अंदर जाना है, धागे को लेके आना है, दोनों को एक साथ निकाल देना है। मैं आपको सिंगल स्टिच करके ये रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सिंगल स्टिच करते हुए ये रो कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट कलर ज्वाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स रेड कलर को पीछे कर देंगे और पिंक कलर ले लेंगे और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स इसको आगे करेंगे और रेड कलर के धागे को टाइट कर देंगे। इस तरह से अब हमारा ये कलर ज्वाइन हो गया है। अब इसको नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे और सिंगल स्टिच से स्टार्ट कर देंगे पिंक कलर को। और देखिए फ्रेंड्स रेड कलर को छोड़ देंगे। अब बनाएंगे एक दो और तीन, तीन चैन्स बनाकर एक सिंगल स्टिच छोड़ेंगे और दूसरे के अंदर लॉक कर देंगे सिंगल स्टिच से। फिर एक दो और तीन, तीन चैन्स बनाएंगे, एक छोड़ेंगे, दूसरे के अंदर करेंगे। इसी तरह से हमें रो कंप्लीट करनी है। एक दो और तीन, तीन बना लिए, एक चैन छोड़ेंगे, दूसरी चैन के अंदर सिंगल स्टिच कर देंगे। एक दो और तीन, तीन कर दिए, एक चैन छोड़ेंगे, दूसरी चैन के अंदर इसे सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमें ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब हमने ये रो कंप्लीट कर लिया। तीन चैन लेते हुए एक चैन नीचे स्किप करनी है, दूसरे चैन में ज्वाइन करना है। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमने रो कंप्लीट कर ली है। अब हमें सेकंड रो बनानी है। इसके लिए हम एक दो तीन चार और पांच, पांच चैन बनाएंगे और ये जो हमारी नेक्स्ट चैन है ये तीन वाली, इसके बीचों बीच इसके सिंगल स्टिच कर देंगे। फिर से एक दो तीन चार और पांच, पांच बनाने के बाद नेक्स्ट चैन के अंदर इसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस रो में हमें पांच पांच बनानी है। एक दो तीन चार पांच, पांच बनाकर नेक्स्ट रो के अंदर इसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब हमें ये सेकंड रो बनानी है और इसी तरह से अब हमें पांच रो और बनानी है। मतलब हम छह रो बना लेंगे पांच पांच वाली चैन से, फिर यहीं ज्वाइन करते जाएंगे, फिर पांच रो बनाएंगे, पांच चैन्स बनाएंगे, फिर यहीं तरह से हमें नेक्स्ट वाली मतलब थर्ड रो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स रो भी हमें इसी तरह से बनानी है। पांच चैन्स बनानी है, फिर बीच में इस जगह पर ज्वाइन करना है, फिर पांच चैन्स बनानी है, फिर इस जगह ज्वाइन करना है। इस तरह से करते हुए छह रो कंप्लीट कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये छह रो कंप्लीट कर ली है। एक रो हमने पहले तीन तीन वाली चैन से बनाई थी, बाकी मैंने छह रो और बना ली हैं और ये मैंने छह रो हैं वो जो पांच पांच चैन से बनाई है। देखिए फ्रेंड्स ये रो वाली हमारी पहली, ये जो हमारी रो है ये तीन वाली चैन की, उसके बाद एक दो तीन चार पांच और छह, छह रो मैंने ये बना लिया। तो अब हमारे पास सीधी सेवन रोज हो गई हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अब हमें नेक्स्ट रो किस तरह से बनानी है, मतलब हमारी आठवीं रो। इसमें हमें क्या करना है, एक दो तीन चार पांच छ, छह चैन्स बनानी है और इसी तरह से बीच में यहां पर ज्वाइन कर देना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, फिर एक
दो तीन चार पांच और छः, छह रो बनाकर फिर इसी तरह से बीच में ज्वाइन करना है। इसी तरह से जैसे देखिए फ्रेंड्स, अब हम आठवीं रो बनाएंगे, ये छह चैनों से बनाएंगे, और जो नौवीं रो होगी वो भी हम छह चैन से बनाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको छह रो आठवीं और नौवीं रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमने ये दो रो भी कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से अब हमारी ये नाइन रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें नेक्स्ट कलर ज्वाइन करेंगे। जैसे अब हमने यहाँ पिंक के बाद रेड किया था, अब फिर पिंक के बाद हम रेड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी जगह से ये देखिए फ्रेंड्स रेड कलर ले लेंगे, और देखिए फ्रेंड्स रेड कलर को इसके अंदर लेंगे और ये पिंक वाला धागा पीछे खींच देंगे। तो इससे अब हमारा रेड कलर ज्वाइन हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इस कली के अंदर हम इसे सिंगल स्टिच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अब हमारा धागा ज्वाइन हो गया है। अब हम इस चैन के अंदर, एक चैन के अंदर पांच सिंगल स्टिच करेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। देखिए बस एक में पांच कर दिए, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। देखिए फ्रेंड्स, जैसे अब हमने यहाँ नीचे बनाया था, इसी तरह से अब ऊपर बनाएंगे। यहाँ हमने चार चार चैन ली थी, अब यहाँ हम पांच पांच चैन लेंगे। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमने ये रेड रो कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने सिंगल स्टिच करते हुए ये हमने रो कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट रो भी हम इसी तरह से बनाएंगे, रेड कलर से ही। जैसे हमने यहाँ पे दो रो बनाई थी, वैसे अब दूसरी रो यहाँ भी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, चैन के अंदर जाएंगे, धागे को लेके आएंगे और एक सिंगल स्टिच कर देंगे। फिर नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, फिर करेंगे जैसे हमने पहले किया था, वैसे ही उस तरह से ही करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हर चैन के अंदर सिंगल स्टिच करना है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये कर दिया है। इसी तरह से हमने नीचे किया था। अब हम ये रेड कलर का बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये रो कंप्लीट कर दिया सिंगल स्टिच करते हुए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमारे रेड कलर का काम फिनिश हो गया है। अब हम पिंक कलर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, रेड कलर को हम इस तरह से लूप को छोटा करके पिंक कलर लेंगे। अब पिंक कलर को देखिए फ्रेंड्स किस तरह से करेंगे, इस तरह से इसको लेंगे और रेड कलर के धागे को टाइट कर देंगे। इस तरह से अब हमारा पिंक धागा हो गया। अब इसमें हम सिंगल स्टिच करके इस धागे को यहाँ ज्वाइन कर देंगे। अब हम एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच चैन्स लेके एक और दो, दो चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन के अंदर इसे ज्वाइन कर देंगे। पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने तीन ली थी, अब इस जगह पे हमें पांच लेनी है। एक छोड़ के फिर हमने ज्वाइन किया था, इसमें हमने दो छोड़ के ज्वाइन करना है। एक, दो, तीन, चार और ये पांच, पांच ले लिए। एक और दो, दो चैन स्किप करनी है, तीसरी के अंदर इसे ज्वाइन करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने यहाँ पे तीन चैन बनाई थी, अब हमने यहाँ पांच चैन बनाई। पहले हमने नीचे एक चैन स्किप की थी, अब हमने यहाँ दो चैन स्किप किए। इस तरह से करते हुए अब हमें ये रो कंप्लीट करनी है। इस तरह से हमें सात रो बना लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम सात रो कंप्लीट कर लेंगे, पांच पांच चैन वाली। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जिस तरह से आपको बताया था उस तरह से मैंने ये रो कंप्लीट की है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको सात रो कंप्लीट करने के लिए कही थी, मैंने दस रो कंप्लीट किया। और किस तरह से किया मैं आपको बताती हूँ। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात, सात रो मैंने कंप्लीट कर दिया पांच पांच वाली चैन से। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने आठवीं, नौवीं और दसवीं रो, ये तीनों रोज मैंने, जैसे यहाँ पे अपने पांच पांच चैने ली थी, यहाँ मैंने सात सात चैने ली हैं। तो इस तरह से मैंने ये तीन रो कंप्लीट कर लिए। इसी तरह से हमें ये सात रो बनानी है। तीन हो गई हैं, चार रो मैं और बनाऊंगी और चार रो सात सात चैन वाली बनाकर आपको फिर दिखाती हूँ।
जैसे देखिए फ्रेंड्स, अब हमें कईयों को इतना छोटा चाहिए तो वो छोटा बना सकते हैं, जिसको बड़ा चाहिए वो बड़ा बना सकते हैं, वो हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। जिसको छोटा चाहिए वो इतना ही रख सकते हैं, जो बड़ा बनाना चाहते हैं वो इसको लाइन को इंक्रीज कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे को बड़ा चाहिए, तो देखिए फ्रेंड्स ये 10 रो यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं इसी तरह से जैसे मैंने ये 3 रो साथ साथ वाली चैन से बनाई हैं, वैसी 4 रो और बनाऊंगी, फिर 7 5 वाली हो जाएंगी और 7 रो सात सात वाली हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, 5 रो में ये जो 7 रो है वो मैंने 5 चैन से बनाई है। उसके बाद अब मैं जो 7 रो बनाऊंगी वो मैं 7 7 वाली चैन से बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें आगे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, अब हमें 7 चैन लेनी है। पहले हम 5 ले रहे थे, अब 7 लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, 8वीं 9वीं और 10वीं रो के अंदर हमने 7 7 चैन ली है। अब 11वीं रो के अंदर भी 7 ही चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 देखिए फ्रेंड्स, 7 रो हमने 7 चैन हमने ले ली हैं। होल के अंदर जाएंगे और हाफ होल में ये कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हो गया। फिर से 7 चैन, 1 2 3 4 5 6 और 7 7 बनाकर इसके अंदर इसे ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमारी ये 3 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने 4थी रो स्टार्ट की है। तो इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये 14 रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 7 नीचे वाली कंप्लीट हमने कर ली हैं। अब 4 रो ये कंप्लीट करके 14 रो पूरी बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये 14 लाइंस कंप्लीट कर ली हैं। 7 लाइंस हमने बनाई थी 5 5 चैन से, और अब ये 7 लाइनें बनाई हैं हमने 7 7 चैन से। इस तरह से अब हमारा ये थाल पोश मैंने ये इसका जो है ये कर दिया है। अब हम इस पे बॉर्डर बनाएंगे फ्लावर वाला। और देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से बनाएंगे वो भी मैं अब आपको बताती हूँ। अब हम इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, रेड कलर लेंगे फ्लावर्स बनाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, कैसे करेंगे, एक चैन के अंदर इसको ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए ज्वाइन करने के लिए हम इस पे लूप बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लूप बन गई है। अब हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, इस चैन के अंदर ज्वाइन करेंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लेंगे और एक सिंगल स्टिच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये धागा ज्वाइन हो गया है। अब हम 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए फ्रेंड्स, 6 चैन हमने बना दी हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारे नीचे से एक चैन छोड़ के दूसरी चैन के अंदर हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, धागा लेंगे और दोनों को एक साथ निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ज्वाइन हो गया। अब हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और 3। 3 चैन बना दी, इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे, लूप लेंगे, इसके अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे होल के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, एक डबल क्रोशिया हो गया। अब एक चैन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर चैन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने 3 चैन बना, 4 डबल क्रोशिया बना लिए एक एक चैन लेते हुए। अब हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और 3। देखिए फ्रेंड्स, 3 चैन ले ली और यहाँ पर ही इसी गली के अंदर हम इसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया। अब नीचे भी हम एक बार दोबारा से पक्का कर देंगे, 2 बार हो जाएगा तो ये ज्वाइन हो जाएगा अच्छी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करने के बाद अब हम 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर अब हमारे फूल बनेगा। अब जो हम नेक्स्ट वाले में बनाएंगे ये हम पत्ती बनाएंगे। 5 चैन बनाकर हम इसमें अब ज्वाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, करने के बाद हम 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। 6 चैन बना ली। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पहले की तरह ही इसमें ज्वाइन करेंगे, एक चैन छोड़ते हुए दूसरी चैन के अंदर इसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, 1 2 और 3, 3 चैन बना लेंगे। इसको इस गली को इस तरह से उल्टा कर लेंगे, लूप लेंगे, इस होल के अंदर 5 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए फ्रेंड्स, 5 डबल क्रोशिया हमने कर लिए। अब हम 3 की चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3।
ये देखिए फ्रेंड्स, तीन चैन हमने बना ली। अब हम दोनों चैन जो शुरुआत में है इसको उठाएंगे, लेके आएंगे, दोनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारी कली बन गई। फिर से लूप लेंगे और इसके अंदर छह डबल क्रोशे करेंगे। पहले हमने पांच डबल क्रोशे किए थे, एक तीन की चैन हो गई थी। अब हम इसमें छह डबल क्रोशे करेंगे, दो तीन चार पांच। ये देखिए फ्रेंड्स, पांच डबल क्रोशे हो गए। अब हम तीन की चैन, एक दो और तीन की चैन इसके अंदर ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास वही हो गया। हमने पहले एक तीन की चैन ली, फिर पांच डबल क्रोशे, फिर तीन की चैन लेके यहाँ पे कली बनाई, फिर पांच डबल क्रोशे की, फिर तीन की चैन लेके यहाँ बना लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर ज्वाइन करने के बाद अब सेकंड चैन के अंदर भी ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, जैसे हमने नीचे दो बार ज्वाइन किया था, दोनों बार ज्वाइन कर लिया। अब हम पांच चैन लेंगे, एक दो तीन चार और पांच। पांच चैन ले ली हैं, नेक्स्ट कली के अंदर जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, फिर वही छह चैन लेंगे, एक दो तीन चार पांच छह। छह चैन ले ली, सेकंड चैन के अंदर जाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे और इन दोनों को एक साथ बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से बंद करने के बाद एक दो और तीन चैन लेंगे, कली को इस तरह से लेंगे और लूप ले लेंगे, इस होल के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर चैन। अब फिर से अब लेंगे एक डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, चार डबल क्रोशे हो गए हमारे पास। अब लास्ट में तीन चैन लेंगे, एक दो और तीन। तीन चैन ले ली, इसके अंदर इसको इस तरह से लॉक कर देंगे, फिर नीचे जो हमने सेकंड चैन ली है इसके अंदर लॉक कर देंगे। अब फिर से पांच चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, और नेक्स्ट कली के अंदर जाएंगे और इसमें ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से अब हमें ये कंटिन्यू रो कंप्लीट करनी है। पहले हम एक फूल बनाएंगे, फिर पत्ती, फिर फूल, फिर पत्ती। अब इसके ऊपर मैं आपको फूल बनाना बताऊंगी, लेकिन पहले हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं पत्ती और फूल वाली, उसके बाद हम पफ स्टिच की मदद से हम इस पे फूल बनाएंगे। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम किस तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब मैंने ये रो कंप्लीट कर दिया, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। देखिए फ्रेंड्स, पूरी थाल पोश के साथ ये रो कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने पता क्या किया, एक फूल एक पत्ती, एक फूल एक पत्ती, एक फूल एक पत्ती, इस तरह। अब इसके ऊपर जो हमारी पत्तियां तो बन गई, लेकिन इसके ऊपर फूल बनाना है, वो बनाएंगे। फूल मैं पिंक कलर से बनाऊंगी। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम किस तरह से फूल बनेंगे इस पे। आइए देखिए फ्रेंड्स, हमने जो फूल जहां पर बनाना है वो वाला हमने ये पार्ट ले लिया है। अब हम पिंक कलर में ज्वाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिंक कलर की इस तरह से लूप बना ली है। ज्वाइन कैसे करना है देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी फर्स्ट वाली चैन के अंदर जो हमने थ्री वाली चैन बनाई है उसके अंदर लेके जाएंगे। अब ज्वाइन करेंगे, यहाँ से पिंक वाली लूप को निकालेंगे और एक चैन ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ज्वाइन हो गई। अब लूप को इस तरह से बड़ा करेंगे, हमें यहाँ पे पफ स्टिच बनाना है। लूप को बड़ा करके ये दूसरी लूप लेंगे और वापिस से इसके अंदर, जैसे इसी होल के अंदर जाना है, धागे को लेके आना है। एक बार हो गया, फिर इसी तरह से दोबारा करेंगे, दो बार, फिर से करेंगे तीन बार, फिर से लूप लेंगे चार बार, और फिर से लूप लेंगे पांच बार। देखिए फ्रेंड्स, पांच बार कर दिया, धागे को इसी तरह से निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, निकाल लिया, उसके बाद हम इसके बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक पफ स्टिच हो गया। अब इसी तरह से अब हम नेक्स्ट दो डबल क्रोशे के बीच में जो जगह यहां बनाएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और ये पांच बार। देखिए फ्रेंड्स, पांच बार हो गया, पांचों को एक साथ निकाल कर इसको लॉक लगा देंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पर ये सारे डबल क्रोशे के ऊपर ऊपर हमें पफ स्टिच बनानी है। फ्रेंड्स, मैं आपको बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पांच पफ स्टिच बना लिया। अब हमें ज्वाइन किस तरह से करना है, देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट पफ स्टिच है इसकी ऊपर वाली फर्स्ट चैन के अंदर क्रोशे को इस तरह से लेना है। ये अब लास्ट लूप को जहाँ पे हमने ये खत्म किया है इसको इसके बीच में से इस तरह से निकालना है, जिसे कि फ्लावर की शेप आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये ज्वाइन कर लिया। अब हम आगे किस तरह से करेंगे, एक दो और तीन, तीन चैन बना ली है, लूप लेंगे, इसी जगह पर हम देखिए फ्रेंड्स एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डबल क्रोशिया होने के बाद तीन चैन बनाएंगे, एक दो और तीन,
तीन चैन बना ली, इन दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जाएंगे, धागे को लेके आएंगे, दोनों को एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट दो पफ स्टिच के बीच में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चैन बनाएंगे, एक दो और ये तीन, दोनों डबल क्रोशिया के बीच में से धागा लेंगे और इसको लॉक कर देंगे। एक पफ स्टिच के अंदर हमें दो बनाने हैं तो लूप लेंगे, इसमें दोबारा से बनाएंगे, फिर तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, फिर बीच में से जाएंगे, फिर लेके आएंगे धागे को और एक साथ निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फिर अब लूप लेंगे, इन दो पफ स्टिच के बीच में नेक्स्ट वाले में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, फिर इसके बीच में से धागे को लेके आएंगे, दोनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से लूप लेंगे, इसी जगह पर दोबारा से डबल क्रोशिया करेंगे और तीन चैन बनाएंगे, एक दो और तीन, तीन चैन बनाकर दोबारा से इसमें से निकालेंगे और इस तरह से कली बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब सारे फ्लावर को कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारे कंप्लीट कर लिए। इसमें अब हम देखिए फ्रेंड्स, थ्री वाली चैन थी इसके फर्स्ट में, जो ऊपर थर्ड वाली चैन है इसके अंदर हम इसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, दो से हम एक कर देंगे और इस धागे को हम कट कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमारे पास ये फ्लावर आ गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सीधा पासा है। इस तरह से अब हमारे पास ये फ्लावर आ गया। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, धागे को कट करते हुए इसके अंदर से निकाल देंगे। और इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमें सारे फ्लावर्स बनाने हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, एक फ्लावर बना दिया, फिर पत्ती को छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे, फिर पत्ती को छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे, फिर पत्ती को छोड़ देंगे। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमें सारे फ्लावर्स बना लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको ये सारे फ्लावर्स बनाकर मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमने ये रो कंप्लीट कर लिए। इस तरह से मैंने ये फ्लावर्स बनाए हैं। देखिए इस तरह से मैंने फ्रेंड्स फ्लावर्स, फिर एक पत्ती, फिर फ्लावर, फिर पत्ती, फ्लावर, पत्ती, इस तरह से करते हुए देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारी रो कंप्लीट कर दी है। आप देख सकते हैं देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। इसमें अब देखिए फ्रेंड्स, पत्ते और फ्लावर हो गए हैं। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये थालपोश बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको यह मेरा थालपोश अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।